हाय गाइस, नमस्कार। आज हम बात करेंगे 26 दिसंबर 2021 के करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने गुड गवर्नेंस डे 2021 जारी किया। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन सुशासन दिवस के मौके पर शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह ने गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 GGI जारी किया। ये सूचकांक केंद्रीय प्रशासन सुधार एवं लोक शिकायत विभाग ने तैयार किया है। इंडेक्स के अनुसार कम से कम 20 राज्यों ने वर्ष 2021 में अपने समग्र GGI स्कोर में सुधार दर्ज किया। GGI 2021 में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 4 श्रेणियों समूह ए, समूह बी, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश में बांटकर रैंकिंग दिए। समूह ए में गुजरात ने सूचकांक में शीर्ष स्थान पाया है, महाराष्ट्र ने दूसरे स्थान पर तो गोवा तीसरे स्थान पर आया है। समूह बी में मध्य प्रदेश पहला स्थान, राजस्थान ने दूसरा और छत्तीसगढ़ ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में राज्य की राजधानी दिल्ली ने समग्र रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में मिजोरम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। विश्व की सबसे बड़ी और सर्वाधिक शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन शनिवार को अपने अभियान पर रवाना हो गई है, जो आरंभिक तारों और आकाशगंगाओं की खोज के साथ ही जीवन के संकेतों का पता लगाने के लिए ब्रह्मांड की पड़ताल करेगी। अमेरिकी एजेंसी नासा की जेम्स वेब अंतरिक्ष दूरबीन ने दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट स्थित फ्रेंच गुयाना अंतरिक्ष केंद्र से शनिवार की सुबह यूरोपीय रॉकेट एरियन पर सवार होकर अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी है। लगभग 10 अरब डॉलर की लागत से बनी है वेधशाला अपने गंतव्य तक पहुंचने में 16 लाख किलोमीटर या चंद्रमा से 4 गुना अधिक दूरी की यात्रा तय करेगी। इससे वहां पहुंचने में 1 महीने का समय लगेगा और फिर अगले 5 महीने में इसकी अवरत आंखें बड़े ब्रह्मांड की पड़ताल शुरू करने के लिए तैयार होगी। भारतीय मूल के समाज सेवी और आपदा राहत संगठन गिफ्ट ऑफ द गिवर्स के संस्थापक डॉक्टर इम्तियाज सुलेमान को दिल्ली मेवरिक का अखबार द्वारा संचालित प्रतिष्ठित साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है। भारत के पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह का ऐतिहासिक बल्ला अंतरिक्ष में भेजे जाने वाला अब तक का पहला बल्ला बन गया है। युवराज के इस बल्ले को पृथ्वी से अंतरिक्ष में भेजा गया, जिसका इस्तेमाल उन्होंने ढाका में बांग्लादेश के खिलाफ 2003 के वनडे मैच में अपना पहला शतक लगाने के लिए किया था। इसकी पहल पिछले हफ्ते एशिया के NFT बाजार कोलेक्शियन और पूर्व भारतीय क्रिकेटर के सहयोग से किया गया था। ओमिक्रॉन के देश में बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को घोषणा की है कि अगले साल 3 जनवरी से 15 से 18 साल की आयु के बीच के किशोरों के लिए टीकाकरण अभियान आरंभ किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये कहा कि 10 जनवरी से स्वास्थ्य एवं अग्रिम मोर्चे पर तैनात कर्मी को अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रसित 60 वर्ष की आयु से ऊपर के लोगों को चिकित्सकों की सलाह पर एहतियात के तौर पर टीकों की खुराक दी जाने की शुरुआत की जाएगी। हालांकि उन्होंने बूस्टर डोज का जिक्र ना करते हुए इसे प्रीकॉशन डोज का नाम दिया है। महाराष्ट्र के पर्यटन और पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने हाल ही में बस टिकटों की डिजिटल और अग्रिम खरीद की सुविधा के लिए सलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है। सलो मोबाइल ऐप यात्रियों को ऑनलाइन बस टिकट खरीदने और ई वॉलेट के माध्यम से बस पास तक पहुँचने की अनुमति देगा। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड सामाजिक न्याय 2021 के लिए पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को हाल ही में मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अर्थ शॉर्ट प्राइज के विजेता विद्युत मोहन और उत्तराखंड की एक युवा पर्यावरण कार्यकर्ता रितिमा पांडे भी इस पुरस्कार से सम्मानित हुई है। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड। कर्नाटक विधानसभा ने हाल ही में धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक 2021 पारित किया, जिसे धर्मांतरण विरोधी बिल के नाम से भी जाना जाता है। इस विधेयक के तहत कोई दोषी पाया जाता है तो 3 से 5 साल की कैद और 25,000 रुपए का जुर्माना। हाल ही में धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक 2021 पारित किया कर्नाटक ने। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में यू ग्रो कैपिटल के साथ एक सहरण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत अगले वर्ष में मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्यमों को 10,000
1,000 करोड़ रुपए तक वितरित किए जाएंगे। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 21 दिसंबर 1911 में मुंबई के महाराष्ट्र में की गई थी। भारतीय किशोरी अनहंत सिंह हाल ही में अमेरिका में जूनियर स्कैश ओपन जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। उन्होंने जूनियर यूएस ओपन स्कैश टूर्नामेंट के अंडर 15 लड़कियों की श्रेणी जीतकर इतिहास रच दिया है। अनंत सिंह ने अर्नेल स्पेक्टर सेंटर में खेले गए फाइनल मैच में मिस्र की जायदा मोरेई को हराया है। बॉलीवुड अभिनेता तुषार कपूर ने हाल ही में अपनी पहली किताब बैचलर डैड का विमोचन किया है। उन्होंने इस किताब में सिंगल फादर होने के अपने सफर को साझा किया है। अभिनेता तो अपनी पहली किताब बैचलर डैड में थोड़ा अपरंपरागत रोड टू फादरहुड की अपनी यात्रा साझा की है। वेस्ट इंडीज के पूर्व खिलाड़ी ब्रायन लारा को हाल ही में आईपीएल में सनराइज हैदराबाद टीम का बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया है। इसके साथ साथ वे स्ट्रेटेजिक एडवाइजर की जिम्मेदारी भी निभाएंगे। वीवीएस लक्ष्मण नेशनल क्रिकेट अकादमी में दायित्व लेने के बाद सनराइज ने यह फैसला लिया है। भारत हाल ही में यूनाइटेड किंगडम की जगह यूनिकॉर्न की मेजबानी करने वाला 3रा शीर्ष देश बन गया है। रून रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अमेरिका और चीन जो पहले दो रंग पर कैबिज है बहुत आगे आगे है। यूनिकॉर्न ब्रांड के 70% हिस्से में अमेरिका और चीन है। इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब चैनल करंट एंड वर्ल्ड अफेयर को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।